टीवी प्रेजेंट लोकसभा चुनाव के छठे चरण रविवार को पश्चिम बंगाल बिहार की मोतिहारी को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। भारत की राजधानी दिल्ली में भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी में मुख्य मुकाबला रहा। स्लम क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति में सुधार नजर आया, जबकि कई सीट पर कांग्रेस से बेहतर स्थिति आप प्रत्याशी की नजर आई। दिल्ली में भाजपा के 7 में से 5 प्रत्याशियों को उनके कार्य के आधार पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मतदाताओं ने न सिर्फ मतदान किया बल्कि यह बात खुले तौर पर कहते भी नजर आए। वरिष्ठ संपादक एवं डीआईडी चीफ ललित सुमन अपनी मनोवैज्ञानिक धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा झा के साथ नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के रमेश नगर मतदान केंद्र पर मतदान किया। वही राहुल गांधी, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, अजय माकन, मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी, हर्षवर्धन, गौतम गंभीर, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल आदि ने मतदान किया। 7 राज्यों के 59 सीट पर संध्या 6 बजे तक हुए मतदान के आधार पर 60% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर 997 उम्मीदवारों के भाग्य को ईवीएम में बंद कर दिया। 7 राज्यों के 10,17,00,000 मतदाताओं में से 60% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। दिल्ली में 55.44%, बिहार के 8 सीट पर 55%, झारखंड के 4 सीट पर 64.46%, हरियाणा के 10 सीट पर 62.12%, मध्य प्रदेश के 8 सीट पर 60.12%, यूपी के 14 सीट पर 50.82%, जहां मतदान हुए वहीं पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 80.13% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। दिल्ली में सिख मतदाताओं का वोट विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में बटा देखा गया। वहीं मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव भी कुछ संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस तो 2 संसदीय क्षेत्र में आप प्रत्याशी के पक्ष में जाते देखा गया। शांतिपूर्ण मतदान दिल्ली में हुआ और पश्चिम जिला डीसीपी मोनिका भरद्वाज सहित वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी पश्चिम जिला में सक्रिय रहे। कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान रोम्पी भाटिया ने भी किया मतदान। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शहर के कई इलाकों में अवैध विदेशी शराब की आपूर्ति में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये है डीआईडी में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।